नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो से हम शुरुआत करेंगे उस श्रृंखला की जिसमें मैं अपने कलेक्शन के नोटों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, कॉइन्स यानी सिक्कों के कलेक्शन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, स्टैम्प्स के कलेक्शन को फिलैटली कहते हैं, एयर ट्रैवल या हवाई यात्रा से संबंधित चीज़ों को कलेक्ट करने की हॉबी को एरोफिलैटली कहते हैं, वैसे ही करेंसी नोटों के कलेक्शन के हॉबी को नोटाफिली कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा मेरे कलेक्शन के 200, 2000 और 1000 के नोटों के बारे में। आज का पहला नोट 2000 रुपये का नोट है। इससे पहले भारत में 2000 रुपये का नोट कभी भी जारी नहीं किया गया था। 8 नवंबर 2016 में भारत में तीसरी बार डीमोनेटाइजेशन किया गया था और उसके तहत 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किया गया था और उन नोटों के बदले में कुछ नए नोट जारी किए गए थे जिनमें से 2000 रुपये का नोट भी एक था। ये साल 2016 से लेकर 2017 तक जारी किया जाता रहा और ये नोट साल 2010 में इशू किया गया रुपी सिंबल के साथ में जारी किया गया था। पिछले नोटों में जो वाइट स्ट्रैप या वाटरमार्क की जो जगह होती है वो बाईं ओर होता था और जो महात्मा गांधी की तस्वीर होती थी वो दाहिने तरफ होती थी। इसके विपरीत इन नोटों में महात्मा गांधी की तस्वीर बाईं तरफ बनी हुई थी और दाहिनी तरफ में वाटरमार्क सिंबल के लिए जगह बना हुआ था। ये नोट साल 2016 से 2017 तक इशू किया जाता रहा और इस नोट की साइज थी 166x66 mm और उस समय के RBI गवर्नर उर्जित पटेल के सिग्नेचर थे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा है जहां से आपको RBI के अब तक के सारे गवर्नर्स और उनके टेन्योर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नोट के पिछले भाग में मंगलयान उपग्रह यानी सैटेलाइट की तस्वीर थी, स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर थी और इन नोटों से शुरुआत हुई इन नोटों के जारी किए गए वर्ष के लिखने का चलन। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले नोटों में जो वाटरमार्क बना रहता था वो अशोक स्तंभ का बना हुआ होता था और इस नोट में वाटरमार्क महात्मा गांधी की तस्वीर और 2000 रुपये का था। आज के वीडियो का दूसरा नोट 200 रुपये का नोट है। ये भी साल 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद में इशू किया गया था। ये साल 2017 से लेकर 2019 तक इशू किया जाता रहा और इस पे RBI गवर्नर उर्जित पटेल के सिग्नेचर थे। ये साइज़ में 146x67 mm का था। सामने में महात्मा गांधी की तस्वीर बाईं ओर और वाटरमार्क के लिए जो जगह बनी हुई थी वो दाहिने ओर था और भारत का राज्य चिन्ह के साथ में अशोक स्तंभ जो कि पिलर था वो भी दिखाई दे रहा है। नोट के पिछले भाग में सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसकी तस्वीर बनी हुई थी, स्वच्छ भारत अभियान का तस्वीर और इस नोट के जारी किए गए वर्ष को लिखा गया था। वाटरमार्क में अशोक स्तंभ की जगह पे महात्मा गांधी की तस्वीर और 200 लिखे हुए थे। हमारा अगला नोट साल 2016 में डीमोनेटाइज किया गया 1000 रुपये का नोट था। ये नोट दो अलग अलग समय में दो अलग अलग डिज़ाइनों में जारी किया गया था। एक नोट में जो कि पुराना नोट था उसमें रुपी सिंबल नहीं बना हुआ था। इस नोट में दाहिने साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर थी, बाएं साइड में वाटरमार्क का जगह था और पिछले भाग में भारत के एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को दर्शाया गया था। ये नोट साल 2002 से लेकर 2012 तक इशू किया गया था और इस नोट की साइज़ थी 177x73 mm। ये नोट साधारणतः 3 RBI गवर्नर्स के सिग्नेचर्स के साथ में पाया जाता है, पहला विमल जालान, दूसरा YV रेड्डी और तीसरा डी सुब्बाराव। मेरे पास ये नोट YV रेड्डी और डी सुब्बाराव के सिग्नेचर के साथ में है। ये 1000 रुपये का नोट 2010 से लेकर 2016 तक इशू किया जाता रहा। इस नोट की खासियत यह थी कि यह पिछले 1000 रुपये के नोट की अपेक्षा रुपी सिंबल के साथ में इशू किया गया था। ये नोट डी सुब्बाराव और रघुराम राजन के सिग्नेचर्स के साथ में पाया जाता है। आज के वीडियो का जो हमारा आखिरी नोट है वो मेरा सबसे प्रिय नोट है क्योंकि ये एक रेयर नोट है। 1975 में इशू किया गया था। ये नोट 1000 रुपये का था।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा पिछला 1000 रुपये का नोट था, इस नोट से जो 1975 में इशू किया गया 1000 रुपये का नोट था, चौड़ाई में लगभग 2 गुना था और लंबाई भी थोड़ी सी बड़ी थी। जहाँ की इस नोट का साइज़ 177x73 mm था, इस नोट की साइज़ 203x127 mm का था। ये 2 RBI गवर्नर्स के सिग्नेचर्स के साथ में इशू किया गया था, निर्मल चंद्र सेनगुप्त, NC सेनगुप्त और KR पुरी। सामने की ओर बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह था, जहाँ पे अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था और दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। ये उस समय के बॉम्बे में इशू किया गया था। नोट के पिछले भाग में बृहदेश्वर टेम्पल, जो तंजौर या थंजावुर तमिलनाडु में है, उसकी तस्वीर बनी हुई थी। इस 1000 रुपये के नोट का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर था और ये नोट 1975 में इशू किया गया था और 16 जनवरी 1978 यानी 1978 में ये नोट डीमोनेटाइज कर दिया गया। इस एक अकेले नोट की कीमत अभी बाज़ार में 10,000 से 50,000 तक लगाई जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग मेरे कलेक्शन के और नोटों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।